उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ अभियान के दौरान 20 अक्टूबर को एक विस्फोट में इजरायली सेना के एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियर हंगारी ने पुष्टि की है कि 401वीं ब्रिगेड के कमांडर कर्नल हसान दक्सा जवालिया क्षेत्र में मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार वो अपने टैंक से बाहर निकलने के बाद एक विस्फोटक की चपेट में आए। वे पिछले साल से चल रहे गाजा युद्ध में मारे गए इजरायली सेना के सबसे वरिष्ठ कमांडरों में से एक थे। 41 साल के दक्सा इसराइल के क्रूज समुदाय के सदस्य थे और उन्हें 4 महीने पहले ही ब्रिगेड कमांडर नियुक्त किया गया था। बता दें कि उनकी ब्रिगेड जबालिया में एक अभियान का नेतृत्व कर रही थी। हगारी ने कहा कि घटना में एक अन्य बटालियन कमांडर और 2 अधिकारी घायल हुए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि दक्सा हमास आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र का निरीक्षण करने बाहर निकले और विस्फोटक से घायल हो गए। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बता दें कि इजरायली सेना ने 6 अक्टूबर को जवालिया और उत्तरी गाजा के अन्य हिस्सों में जमीनी और हवाई हमला शुरू किया था। सेना का कहना है कि उसका उद्देश्य हमास के आतंकवादियों को फिर से संगठित होने से रोकना है। हमास द्वारा संचालित क्षेत्र की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि 2 सप्ताह से जारी हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं कर्नल हसान दक्षा को 2006 में लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को बचाने के लिए सम्मानित किया गया था। बता दें कि वर्तमान में इजरायली सेना एक बार फिर से हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इजरायली के राष्ट्रपति ने दक्षा को एक नायक का दर्जा दिया है। उनकी मौत के बाद 27 अक्टूबर 2023 को गाजा में जमीनी हमले की शुरुआत के बाद इजरायली सेना के मारे गए सैन्यकर्मियों की संख्या कम से कम 358 तक पहुंच गई है। वहीं इसके साथ ही हम आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि शनिवार को हिजबुल्ला ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी को निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने इजरायल में नेतन्याहू के घर पर कई रॉकेट दागे। घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्ला को खुली चुनौती दी है। बता दें कि नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें और उनकी पत्नी को निशाना बनाने की कोशिश करके ईरान और हिजबुल्ला ने बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्ला के इन हमलों के बाद IDF ने भी तगड़ा एक्शन लिया है और हिजबुल्ला के हथियार अड्डे पर हमला किया है, लेकिन हिजबुल्ला की ताकत इतनी बड़ी है कि उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। इस वीडियो में हम आपको हिजबुल्ला की ताकत के बारे में भी कुछ जानकारी बता देते हैं। हिजबुल्ला की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है। वो अपने लड़ाकों की संख्या 1 लाख बताता है। हालांकि स्वतंत्र तौर पर किए गए अनुमानों में इन लड़ाकों की संख्या 20,000 से 50,000 के बीच बताई जाती है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक हिजबुल्ला के पास मौजूद रॉकेट और मिसाइलों की संख्या 1,20,000 और 2 लाख के बीच है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर गैर सरकारी सेनाओं में से एक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हिजबुल्ला की सेना लेबनान की सेना से अधिक ताकतवर है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।